बहुत डरते हैं आप, हर सी चीज़ में डर लगता है, कोई भी काम करने में हमेशा ही भयभीत रहते हैं, लोगों से भयभीत रहते हैं, कोई काम का रिजल्ट क्या रहेगा उसमें भयभीत रहते हैं, हमेशा डाउट में रहते हैं। आज एक काम कीजिए ना, आप हनुमान जी को, जो कि स्वाधिष्ठान चक्र के वन ऑफ द देवता हैं जो रक्षा करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, और जो रंग उनका चोला जो चढ़ता है वही चोले वही रंग हमारे उस चक्र का माना जाता है। आप उस रंग का दान करें, यानी आपको चोला चढ़ाना है, हनुमान मंदिर जाके, और आप ये भी कर सकते हैं कि आप उस रंग के कपड़े पहन सकते हैं, छोटा सा रुमाल एक रख सकते हैं, ये सिर्फ हमारे देवता हमारे ईश्वर को का आपको अपने साथ रखने का, अपने उस रंग के द्वारा हमारा उस चक्र को एक्टिवेट करने का एक छोटा सा तरीका है। चक्र एक्टिवेशन के वीडियोज़ दिए हुए हैं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। गॉड ब्लेस यू, लिंक दे रही हूँ। कहते हैं हनुमान जी जागृत देवता हैं जो आज भी इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और हमारे करुण पुकारने से, करुण तरीके से पुकारने से वो आते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उनके कौन से चित्र यूज़ करते हैं। अलग अलग चित्र का अलग अलग महत्व है, आप किस कारण के लिए वो चित्र लगाना चाहते हैं और उसकी पूजा करना चाहते हैं। ना केवल चित्र बल्कि किस दिशा में आपको लगाना है, ये तो आपको ध्यान ही रखना है कि वो हमेशा साउथ की ओर फेसिंग करते हुए हनुमान जी का चित्र लगता है। लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना और किस प्रकार से उनकी पूजा करनी है, ये मैंने कोशिश की है छोटे से इस वीडियो में बताया, जिसके लिए जो आप थंबनेल देख रहे हैं, और अगर आपको पसंद आए तो मैं और भी इसका विवरण दूंगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। गीता सहनी मल्टीप्रिपेस।